اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله رسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في سورة الأنفال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المر وقلبه وإنه إليه تحشرون. ग्रामी कदर सदर महफिल दीगर जमात और जमीयत के बावकार काबिल क़दर ज़िम्मेदारान ज़िम्मेदारानहदेदारान स्टेज पर तशीफ़रमा और दूर दराज से आए हुए मेरी इस्लामी भाई और बहनी। खुतबा में सुना के बाद मैंने आपके सामने शराफाल की आयत नंबर चौबीस पढ़ी है मौजू टॉपिक जैसे कि आपने सुना है जिंदा कौमों की निशानियाँ वान बहुत वसी है और क्या क्या बातें आपके सामने रखें फारसी का शायर कहता है पंबा कुजा कुजा नहम तनहमा दागदार शुद्ध सारा जिसम जख्मों से चूर है तो ये कॉटन है ना रोई कहां कहां पर रखूं सारा जिसमदार हैं। उम्मत मुस्लिमा को जगाने के लिए क्या क्या करना चाहिए बहुत सारे असबाब हैं मैंने अपने हिसाब से दस बातें आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूं दिल का अशरत कामिला के तहत कि दस बातें ऐसी हैं जिनके जरिए से हम अपने आप को जिंदा रख सकते हैं पाइंदा रख सकते हैं और जिंदा कौमों की अलामत यही होती है आइए मालूम करते हैं जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है इसी में सारा खुलासा है अल्लाह ताला ने फरमाया फरमायादीजीब रसूल ईमान वालो अल्लाह उसके रसूल की पुकार का जवाब दो अल्लाह उसके रसूल की पुकार का जवाब दो अल्लाह उसके रसूल आपको किसकी तरफ बुलाते हैं इदा लिमा जब वो तुम्हें पुकारें, उस चीज की तरफ जो तुम्हें जिंदा रखें जिंदगी बख, बख्शने वाली चीज और जिंदा रखने वाली चीज जिंदगी की निशानियां यही है अल्लाह उसके रसूल का जवाब दिया करो अल्लाह उसकी रसूल की बातों पे अमल किया करो ये सारा खुलासा है चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं चंद अशार से टॉपिक का आगाज करता हूं शायर की जबानी निशा यही है जमाने में जिंदा कौमों का निशा यही है ज़माने में जिंदा कौमों का कि सुबह वो शाम बदलती है उनकी तकदीरें आपको मेहनत करना है तदबीर के जर्रे जर्रे से तकदीर दरअसा होती है जब कोशिश इंसान होती है कुदरत भी मेहरबा होती है फिर आगे कहा कि देखो कमाल सिद्ध को मरुवत है जिंदगी उनकी कमाल सिद्ध को मरुवत है जिंदगी उनकी माफ करती है फितरत भी उनकी तकसीरें हाँ, आपकी तकसीरों को फितरत अल्लाह ताला माफ करेगा कब जब आप कोशिश करें मेहनत करें आगे बढ़ें फिर उसके बाद कोताही अल्लाह ताला माफ करेगा हजरात जिंदा कौमों की निशानियां जिंदा किसको कहा जाता है जिसके अंदर जिंदगी हो जिंदगी होने की अलामत क्या है हा? कोई मर गया तो क्या करते हैं हिला के देखते कि नहीं देखते जिंदा है या नहीं है क्या करते हैं बोलो हिला के देखते हैं ना हिल रहा है हरकत कर रहा है तो बोलो भाई जिंदा है हरकत नहीं है तो मुर्दा है यह बात आप दिमाग में रखिए भाई यही सारा खुलासा है हरकत में बरकत हरकत में बरकत हरकत करोगे जिंदगी है तो याद रखो जिंदगी अगर नहीं है तो हरकत भी नहीं है हरकत नहीं जिंदगी नहीं है हरकत तब्दीली इनकलाब वाकयात हादिसात चलना फिरना पेशरफ आगे बढ़ना अमल करना जिंदगी को लेके सोचना समझना ये सब जिंदगी की अलामतें हैं और जमू बेहिस बेहरकत हो जाना काम छोड़ देना बैठ जाना ना उम्मीद हो जाना हिम्मत हार जाना थक के बैठ जाना समझ लो ये कि मुर्दे की अलामत है, है कि नहीं मुर्दे की अलामत है मेरे भाइयों शायर की जबानी झपटना पलटना पलट कर झपटना क्या है झपटना पलटना पलट कर झपटना ये शाही परिंदा देखे है ना शाही परिंदा बिल्ली को भी देखे होंगे शेर के बच्चों को देखे होंगे बेकार में झपटते खेलते कुद क्यों लोहो गरम रखने का है बहाना हाँ ये झपटना पलटना पलट के झपटना लोहो गरम रखने का एक बहाना मतलब आप जिंदा है हरकत है जिंदा है तो आप जिंदगी है जिंदगी आपके अंदर है आप जिंदा है और जिसमें ना हो इनकलाब मौत है वो जिंदगी जिसमें ना हो इनकलाब मौत है वो जिंदगी रूह है उमम की हयात सूरज को बोलते खुर्शीद जहां में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं खुर्शीद तो सूरज। सूरज है खुर्शीद। खुर्शीद जीते है। इधर डूबे उधर निकले उधर डूबे इधर निकले हाँ कोशिश करो मेहनत करो हिम्मत नहीं हारना है थक के बैठना नहीं है आगे बढ़ना कोशिश करना हरकत और अमल में ही बरकत है मेरे भाइयों और इसी के ताल्लुक से अल्लाह ताला ने पुरानी मस्जिद में फरमाया जिंदा और मुर्दी, बीना और नाबीना दोनों एक नहीं होते अल्लाह ने फरमाया वमा यस्तविल आमा वल बसीर वल जुलमात वल नूर वल दिल वल हरूर वमा यस्तविल अहया वल अमवात इन्नल्लाहा युस्मिउ यशा वमा अंत बिमुस्मिउ मन फिल कुबूर के देखो ये देखने वाले ना देखने वाले बराबर नहीं हो सकते हैं जैसे तारीखी और उजाला दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं जिंदा और मुर्दा बराबर नहीं हो सकते हैं छाव और धूप बराबर नहीं हो सकते हैं ऐसे ही जिंदा और मुर्दे की मिसाल है और याद रखो मेरे भाइयों जो कबरे कबर में चले गए हैं उनको आप सुना नहीं सकते हो तो याद रखो भाई कबरों के पीछे भागना ये गोया के जिंदगी नहीं है बल्कि ये मुर्दा कौम की निशानी है जिंदा कौम वो है जो उसकी इबादत करती है अलह अलका गोम जो जिंदा है और कभी जिसको वफात नहीं आनी है जो कायम है अपने कई में किसी का मोहताज नहीं है अपनी जिंदगी में किसी का मोहताज नहीं है जिसको ना ऊंग आती है ना नींद आती है वो इंसान जिंदा कौम की अलामत यह होती है कि उस जात की इबादत करती है और मुर्दा कौम वो है जो मुर्दों की इबादत करती है से, से बात को आगे बढ़ाते हैं। पहली चीज जिंदा कौमों की अलामत जिंदे की इबादत जिंदा कौम की अलामत जिंदे की इबादत और हय अल क्यूम कौन है अल्लाह है तो पहला पहली निशानी पहली अलामत यही है कि ईमान और अकीद तोहैद जिंदा कौमों की निशानियों में से पहली निशानी है कि ईमान अकीद यही सबसे बेहतरीन निशानी है और मैंने अभी आपके सामने अर्ज कर दिया है कि ईमान का सफर शुरू होता है यकीन से यकीन से ईमान का सफर शुरू होता है यकीम कम अमल पे हम मोहब्बत पाते हैं आलम याद रखो मेरे भाइयों यकीन जो हो ना तो आपकी जंजीरे भी कट जाए गुलामी में नाकाम आती है तदबीरें ना शमशीरे गुलामी में नाकाम आती है शमशीरे ना तदबीरे जो हो जो के यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें यकीन के साथ तुम आगे बढ़ो यकीन याद रखना मेरे भाइयों ईमान का सफर शुरू होता यकीन से तवक्कुल से फिर उसके बाद उसके बाद बेहतरीन सरमाया है मेरे मिलत के लिए कि यकीन हो तवक्कुल हो उम्मीद हो उम्मीद नहीं होता है मोमिन कभी उम्मीद नहीं होता है जो उम्मीद हो गया वो मोमिन है इन्ना काफिरून Allah की रहमतों से मायूस होने वाला काफिर होता है ईमान हमें यह बताता है ईमान उम्मीद का नाम है ईमान यकीन का नाम है ईमान तवक्ल का नाम है ईमान भरोसे का नाम है ईमान हरकत का नाम है ईमान जिंदगी का नाम है और हम ये कहते हैं कि हम जिस रब पर ईमान लाए हैं वह हयर क्योम है वह हमें बेकार बेयारो मददगार नहीं छोड़ेगा ये इबादत ईमान ये, ये अकीदा हमें यह सिखाता है ग्रामीण और इसकी मिसाल भी आप देखना चाहें। अल्लाह ताला ने इब्राहिम, आयत नंबर में फरमाया, मतलन समा, क्या आपने देखा नहीं गौर मिसाल दी है किससे अल्लाह ने किस तरह से मिसाल दी है दरख्त तनावर है मजबूत है और उसकी शाखे फैली हुई है हर वक्त दूसरों को फल देता है फल कौन देता है, मुर्दा नहीं। देता है। और तोहहीद और तोहीद परस्तों की मिसाल, ताला ने एक बेहतरीन मजबूत फलदार तनावर दर से दी है यही एक मोमिन की अलामत होती है मेरे भाईयों इसी तरह सब आगे बढ़े अल्लाह तबर तला ने ईमान वालों की अलामत बताते हुए ईमान के ताल्लुक से फरमाया मन जो मर्द औरतों में से नेक अमल कर ले वह हुआ मोमिन और वो मोमिन हो फोना उसको पाकिसा जिंदगी फरमाएंगे उसको जिंदगी मिलेगी पाकिसा जिंदगी मिलेगी और आखिरत में बेहतरीन बदला भी मिलेगा हजर निगरामी अगर आप इसको देखना चाहते हैं फराउन के दरबार में देखो फ्र ने जादूगरों को बुलाया है ना सलाम से मुकाबला करने के लिए जादूगर जब आए थे वो अकीदे के अतबार से मुर्दा थे हाँ मुर्दा थे ईमान के अतबार से मुर्दा थे पूरा डर था फिराउन का कितनी ज्यादा अल्लाह का नाम नहीं बल्कि फिराउन की इज्जत की कसम खाकर लाठियां फेंकी कहा वो भी इज्जत फिराउन हा? देख रहे मुर्दा एकदम अकीदे के से लेकिन वही लोग जब उनके अंदर ईमान आ गया तकवा आ आ गया, जब उनके पास तो आ गई, अब देखो के दरबार में ही वही जादूगर है वही दरबार है वही है, वही माहौल है लेकिन अब दिल की दुनिया बदल चुकी है ये मोमिन बन चुके हैं तोहहीद से माला माल हो चुके हैं तोहीद की जिंदगी उनके पास आ चुकी है ईमान की जिंदगी आ चुकी है अब फिराउन से कह रहा है क्या कर लेना कर ले धमकी दे रहा है क्या कर लेना कर ले फकमा <दिमा> तक दुनिया ज्यादा से ज्यादा जान ले लेगा लेकिन याद रखे हमें तो हमेशा की जिंदगी चाहिए हाजिर निगरानी ये पहली बात थी दूसरी बात अल्लाह की किताब है ना ये भी एक जिंदगी है अल्लाह की, की, अल्ला की किताब से ताल्लुक जिंदा कौमों की निशानी है अल्लाह की किताब से ताल्लुक क्योंकि ये किताबुल्लाह अल्लाह का कलाम है मखलूक नहीं है मखलूक को फ़ना होना है अल्लाह के कलाम को फना नहीं होना है याद रखो मेरे भाइयों, इसके साथ ताल्लुक जोड़ने वाले की मिसाल भी अल्लाह के रसूल ने इसी तरह से दी है जिंदगी से मुर्दे से सही की ने फरमाया मतलब वो जो अपने रब को याद करता है उसकी मिसाल और जो नहीं करता उसकी मिसाल मतलब का जिंदा और मुर्दे की मिसाल है और अल्लाह का जिक्र बेहतरीन जिक्र है कुरान कुरान की तिलावत इन्ना जिक्र हमने इस जिक्र को यानी कुरान को नाजिल किया है हम ही उसकी हिफाजत करने वाले हैं अहले इल्म ने लिखा है इसमें तफसीर में फसरी ने लिखा है जैसे अल्लाह ने कहा हम जिक्र की हिफाजत करने वाले यानी कुरान और अहले कुरान की भी अल्लाह हिफाजत करता है अल्लाह भक्त बहुत बड़ी बात है और हल कुरान की भी अल्लाह हिफाजत फरमाता है दूसरी बात थी मुझे बहुत जल्दी आपके सामने पंद्रह मिनट में अभी भी आठ पॉइंट है जिक्र करना है तो सरसरी तौर पर आगे बढ़ते हैं तफसील में जाने के वक्त नहीं है तीसरी बात इब्त रसूल इब्त रसूल इतबाई सुन्नत ये बहुत जरूरी है इतबाही रसूल और इतबा सुन्नत हजरी जो लोग बाहर बातें कर रहे हैं हमें डिस्टर्ब हो रहा है बराए मेहरबानी बाहर जो लोग बात कर रहे हैं वो आहिस्ता से बात करें जोर जोर से बात ना करें क्योंकि डिस्टर्ब हो रहा है अल्लाह आपको खैर दे इतवा इतबा सुन्नत प्यार नबी अभी आपने सुना अल्लाह उसके रसूल आपको किसकी तरफ दावत दे रहे हैं लिमा जो तुम्हें जिंदा रखें अल्लाह उसके रसूल की बातों का जवाब देना नबी की इतहात करना याद रखो मेरे भाईयों रबी उल अब्बल का महीना चल रहा है मोहसिन कायनात, खैरबर रमीन की विलादत बसादत का महीना है और आपकी वफात का भी यही महीना है आपकी पैदाइश नौ रबील अव्वल को हुई है और आपकी वफात बारा रबी अव्वल कोई इख्तिलाफ नहीं है और साहबा का अमल हमारे लिए दलील है बारा रबी आखिरी दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से साहबा ने क्या किया वो देखो साहबा ने कोई जश्न नहीं मनाया है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहा गया कि आप पीर के दिन रोजा क्यों रखते हैं तो आपने फरमाया फी ही उलिद मैं उस दिन पैदा हुआ तो ने इसलाल किया है कि पैदाइश के दिन चाहो तब रोजा रखो अब बताओ पैदाइश के दिन अगर ईद है ईद के दिन रोजा होता है ईद के दिन रोजा है ईद के दिन रोजा हराम है कि नहीं भाई है ना हराम है ना और जाहिर सी बात ईद है तो रोजा है तो नबी ने रोजा रखा तो जश्न नहीं मनाया है हाँ, केक काटके अजीब तमाशा है लोग जो है नबी के बर्थडे में केक काट के हैप्पी बर्थडे टू यू या रसूल अल्लाह बोलते हैं अल्लाह ने एक तोहफी कथा फरमाए उनको हाजरीन प्यारा नबी सल्लल्लाहु वसल्लम इस महीने में पैदा हुई आप सल्लल्लाहु वसल्लम मौसे ने का इनाते रहमतुलिल आलमीन थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के लिए जितना कुछ किए हैं आप उनका हक हाँ अदा ही नहीं कर सकते हो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों मैं तुम्हारे लिए एक बाप का मुकाम रखता हूँ अल्लाह अकबर तहज्जुद के वक्त में उठ के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ummati के लिए रो रहे हैं और एक आयत पढ़ते पढ़ते सारी तहज्जुद खत्म करते हैं

शफात अल्लीमती मैंने अपनी दुआ को उठा के रख दिया कल के में जो लोग मैदान में, में सब लोग नफसी नफसी के आलम में होंगे एक हमारे और आपके नबी है सारी कायनात के नबी है महबूबानी है आमिना के दुलारे हैं वो कहेंगे कि उम्मती उम्मती अल्लाह अकबर ये नबी के एहसानात है इसीलिए अल्लाह नबी को भेजते हुए कहा ने एहसान जताया नहीं लेकिन नबी की बेसत के मौके पर फरमाया एहसान किया किया है है कि में से को मबूस नबी एहसानात का बदला हम तो दे नहीं सकते कम से कम हल जजा क्या करना है नबी की इतबा करो नबी की इताअत करो और इसी को इल्म ने कहा कि आयतुल है किस चीज के इम्तिहान आपकी मोहब्बत के इम्तिहान मोहब्बत के इम्तिहान किसमें है इतात और फरमाबरदारी में है अहले इल्म ने इस आयत को कहा कि आयतुल इम्तिहान है ये क्या है कुल इन्कुन तुम तुहबुन अल्लाह फत्तबीउनी युहिब्बुकुम अल्लाह अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत के दावेदार हो इस दावे के लिए दलीलें आए हैं फे के तुम नबी की इतातो फर्मा बरदारी करो अल्लाह से मोहब्बत की अलामत यह है नबी की इतात नबी से मोहब्बत की अलामत यह है नबी की इतात इतात के बगैर मोहब्बत के सारे दावे मोहब्बत के सारे अमाल बेकार है बेसूद हैं अगर सिर्फ कोई मोहब्बत की बुनियाद पर न पाता सबसे पहले अबू तालिब नजात पा जाते नबी से टूट के मोहब्बत करते थे अपनी औलाद से बढ़ के मोहब्बत करते थे हाँ आज हम आपकी मोहब्बत के शक नहीं करते हैं आप मोहब्बत जरूर करते हैं लेकिन नबी की मोहब्बत के साथ साथ नबी की इतात होनी चाहिए हजरीन एक बात याद रखना नुकते की बात जब जब कोई कौम अपने अंबिया की दो चीजों में से एक है नबी की जात और दूसरी है नबी की बात नबी की जात और नबी की, की बात बात यानी उनकी फरमोदात, उनकी तहरीक उनके मिशन और एक उनकी जात दोनों से मोहब्बत होनी चाहिए दोनों से मोहब्बत होनी चाहिए लेकिन अगर हमने एक से मोहब्बत कर ली

कमेंट करें नबी के बारे में 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 कोई कोई कुछ कहे फिल्म बनाए तो हम बाहर हो जाते हैं जबकि आप इस सिलसिले भी की निगरानी रहना चाहिए इंडिविजुअल जाके और और पार्कों रोड आए और अपने से आप अप कानून को हाथ में ले ले ये का तरीका नहीं है, है। अल्लाह ने फरमाएल नबी आपके आप देखो कानूनी कार्रवाई जरूर करो नबी की तरफ से कानून की दायरे में रहकर दिफा हमें करना है यह नबी का हक है लेकिन कानून को हाथ में लेना नहीं है हम नबी के लिए नबी की जात से देखो इतना सब कुछ करते हैं लेकिन नबी की बात आए तो हमने नबी की पगड़ी तो ले ली है लेकिन नबी का अकीदा नबी का विस्वाक तो हमने ले लिया है लेकिन नबी की नमाज का तरीका नबी का मनाज नबी का तरीका नबी का अकीदा नबी का ईमान हमारे पास है नहीं है नबी की जात से मोहब्बत के साथ साथ नबी की बात से भी मोहब्बत करो और इसी को अल्लाह ताला ने बहुत सूरह फरमायाजरात की इब्तदाई आयतों में या ला बैना व रसूलि अल्लाह उसके रसूल से आगे ना बढ़ो आगे बढ़ने की कोशिश ना करो बल्कि उनके ताबे रहो तो कामयाब हो जाओगे और ना तुम्हारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे हजरत चौथी अलामत सलाफ़ अल-उम्मा से रिश्ता उसवार करना अपने असलाफ की तारीख से जुड़े रहना अपने असलाफ की तारीख को मालूम करना यह जिंदा कौम की अलामत है आजाद ने तारीख और कैलेंडर की हिस्ट्री बयान करते ही किसी जगह पर उन्होंने लिखा है कि जो कौम अपनी तारीख रखती है अपनी कैलेंडर है जिसके पास गोया कि उसकी बुनियाद की ईंट उसके पास है और जिसका ताल्लुक अपने असलाफ से नहीं है वो कटे पतंग की तरह है हा? याद रखो आज कोशिश हो रही है कि इस उम्मत के नौजवानों को उलामा से जो उलामा आपको सलफ के तरीके से आपको आगा कराएंगे उनसे दूर करने की कोशिश हो रही है और आज लोग फतवा पूछते हैं किससे अपने ब्रदर से सिस्टर से अपने फुला फुला से और उलामा से और याद रखो मेरे भाई गुमराही की तरफ लेकर जाएगा इसीलिए याद रखना उम्मत के जो सलफ है और सलफ किसको कहा जाता है एक जुमले में आपको समझा देता हूं सलफ के माने गुजरे हुए अच्छे लोग इस उम्मत के गुजरे हुए अच्छे लोग कौन है बोलो साब तो सहाबा के मनहज वही हमारे लिए सलफ है सालिन का मनहज है सहाबा और सहाबा के बाद जो उनके तरीके पर चल रहे हैं उनसे जुड़े रहो तो याद रखो तुम जिंदा हो वरना तुम कटी पतंग की तरह हो जाओगे और इसी को शायर ने यूं कहा है गवा दी हमने असलाफ से जो मीरास पाई थी गवा दी हमने असलाफ से जो मीरास पाई थी सुरैया से जमी पर आसमान हमको दे मारा हाँ आपको अगर सुरैया पे जाना आगे जाना असलाफ से जुड़े रहो असलाब से जुड़े रहोगे तो ही अगर उससे कट जाओगे तो जमीन जाके तुम जो है नीचे ता, ता सरा चले जाओगे इमाम मालिक ने प्या क्या खूब कहा है कि देखो इस उम्मत के आखिर में आने वाले लोग उस वक्त तक सलाह नहीं पा सकते हैं जब तक कि ये लोग अपने पिछले सबसे पिछले यानी सहाबा के तरीके पर ना चले

साहबा के हर, रास्ते से हट जाओगे तो कहा कि उसी गुमराही की तरफ लेकर जाएंगे और वो जहन्नम का रास्ता है जन्नत का रास्ता साहबा का रास्ता है पांचवी अलामत यह है खिदमत खलक अच्छे किरदार का मुजाहरा और दूसरों के काम आओ दूसरों के काम आओ वाम आजाद ने कहा है वाल कला आजाद ने कहा है कि अगर तुम अपने लिए जीते हो तो गोया के तुम एक मुर्दा हो जानवर की तरह हो मुर्दा हो जानवर भी दूसरों का काम आता है हा? लेकिन अगर तुम सिर्फ अपने लिए जी रहे हो किसी और को फायदा नहीं पहुंचा रहे हो तो तुम में और एक मुर्दा लाश में कोई फर्क नहीं है दूसरों के लिए जिया सीखे और अल्लाह ने हमें यह लकब दिया है कुं तुम खैरा उम्मत इन तुम बेहतरीन उम्मत हो यू आर द बेस्ट पीपल हा जब तुम बेस्ट पीपल हो तुम्हारे काम भी बेस्ट होना चाहिए तुम्हारा अकीदा बेस्ट होना चाहिए तुम्हारा सलूक बेस्ट होना चाहिए तुम्हारे कैरेक्टर बेस्ट होना चाहिए तुम्हारे दांत तबलीग का काम बेस्ट होना चाहिए तुम उलूम फन के मैदान में बेस्ट होना चाहिए हर एतबार से तुम्हें बेस्ट होना चाहिए बेस्ट पीपल हो तो बेस्ट काम करोगे तो अल्लाह तबरक तआला रखेगा और उसके लिए सबसे बेहतरीन काम कि आप ब्रदरा वतन तक क्या करो दांत तबलीग का काम किया करो उनको आप क्या करो

आप घबराते हुए घर आए खदीजा से कहा कि देखो लकद खशी तो अला नफसी मुझे अपनी जान का डर है कहीं मर ना जाऊं खदीजा ने कहा कि नहीं आपके पास ऐसे आमाल हैं जो जिंदा आदमी की अलामत है देखो जिंदा कौम की अलामत है नबी के नबी बनने से पहले के या थे हम नबी के उम्मती या हमारे पास आपके पास है खदीजा ने कहा कि देखो कल्ला ऐसा नहीं होने वाला है अब अब खुश हो जाओ

जो इल्म वाले नहीं है इकरा का पैगाम इस्लाम का पहला पैगाम यही है इकरा पढ़ो इल्म रोशनी है इल्म एक जिंदगी है इल्म एक ताकत है इल्म कुत है और शायर की जबानी तालीम से आती है अक्वाम में बेदारी मुर्दा हो गए बेदार करना है तालीम से आती है अक्वाम में बेदारी है इल्म के पंजे में शमशीर जहादारी शमशीर बोले तो तलवार जहां पूरे जहां के हर चीज में आप कंट्रोल करना चाहते हो कहा कि इल्म, इल्म, हर तरह के फितने के खातिमे के लिए याद रखो मेरे भाईयो इमर सारे फितनों को दो अल्फाज में समोया है का फित शहवा फितना तो शुभहात शहवा शुभात डाउट शुभात ये होगा वो होगा ऐसा वैसा है अकीदे के जितनी खराबियां हैं हैं सब इसी में की खराबियां कहते कि देखो ये नफसानी ये कर लो वो कर लो सारे फितने सारे गुनाहों की जड़ हैं और दोनों का हल क्या गुना पेश किए हैं हल ये हैं कि आपको अगर शक है शाह हैं तो शुभहात को दूर करने के लिए क्या चाहिए यकीन चाहिए यकीन कैसे आएगा इल्म से आएगा इल्म से यकीन आएगा इल्म से फितना खत्म होगा इसीलिए आदम सलाम को पैदा करते वक्त अल्लाह ताला ने जब फरिश्तों से कहा कि इन निजाइल खलीफा उन्होंने क्या कह के कि मत करो इसलिए कोई फितना फसाद मचाएगी ये कौम अल्लाह ने क्या कहा इन आलम इल्म का हवाला दिया और सबसे पहले आदम को जो काम किया वो आदम, आदम को इल्म सिखाया कि इल्म आए तो फितना हो जाएगा इल्म आए तो दुश्मनी का माहौल खत्म हो जाएगा इल्म आए जो फितना फसाद खत्म होगा इल्म याद रखो मेरे भाइयों और ये जो शुभात का फितना है शुभात का फितना तो कहा कि इसको खत्म करने के लिए शहवात का फितना उसके लिए क्या करना शहवात पे कंट्रोल करना कंट्रोल को कहते सबर है ना तो सबर ये शहवात के लिए इलाज है

इमामों की अलामत है इमाम बनना चाहते हो कौम के लीडर बनना चाहते हो आपको सबसे पहले यकीन होना चाहिए सबर करने वाला होना चाहिए इल्म वाला आपके पास इल्म आपके पास होना चाहिए सातवीं और आखिरी पांच मिनट सिर्फ एक दो पांच मिनट सातवीं अलामत सातवी निशानी यह है हमत अमली स्ट्रेटी होनी चाहिए प्लानिंग होनी चाहिए जोश से काम आने वाला नहीं है होश से काम लेना है एक मिसाल मैं आपको दूंगा प्यारे नबी वसल्लम हिजरत के सफर में थे आप और अबू बकर दोनों गारे सौर में छुपे हुए थे हाना? काफिर वो आया था ढूंढते ढूंढते आया है ना आया ना करीब आ गया पैर की तरफ देख ले तो नबी अबू बकर दिख जाए अबू बकर परेशान लेकिन तो नबी को इतना यकीन नहीं अल्लाह जाए नहीं करेगा हाँ अल्लाह है हमारा अब बताओ इस मौके पर असल चीज जो नौजवानों के लिए मेरा पैगाम है ये हम लोग ये कहते हो तो कहते इंडिया के सारे ऊलामा डर पुख सऊदी के उलामा बिके हुए हैं वो जो आता वो पढ़ के सुनाते हैं और यहां के उलामा डरपुख है और सारा इल्म इनको आ गया है अल्लाह के वास्ते गलत राह पे ना जाए गलत कदम ना उठाए बताओ नबी और अबू बकर दो थे आने वाला वो सा, वो जो काफिर था वो अकेला था हो सकता उसके साथ और भी हो या ना हो नबी बहादुर थे नहीं थे क्या डरपुख छुप के बैठे अबू बकर छुप के बैठे इसको बोलते हिकमत यहां पर जोश नहीं या होश दिखाना है आपको बहुत बड़े काम की तरफ जाना आगे बढ़ना है आप देखो यहां पर आप इतने बड़े बहादुर थे रुकाना पहलवान को दो जिसको किसी ने जेर नहीं किया आपने दो दो बार ढेर किया हां आप इतने बड़े बहादुर थे अबू बकर भी बहादुर थे लेकिन यहां नहीं या जोश नहीं या होश दिखाना है याद रखो मेरे भाइयों हमारी जोश हमारे होश हमारे जोश के, जोश के हमारे होश के ताबे होना चाहिए वरना याद रखो गलत तरफ चले जाओगे आज गलत तनसीमों के साथ मुसलमान नौजवान जुड़ने की वजह से गलत राहों पर जा रहे हैं इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह सर इमरान में व व इन तस्बिरू वस्वीरुम अगर तुम सबर करोगे तक, तक, तक परेजगारी और एक माना एहतियात भी होता है तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता है हमें चाहिए कि हिक्मते अमली जुड़े रहे, इत्तिहाद, के साथ रहें और नाम कामयाब नहीं हो सकते हैं आखिरी बात खुलासा कलाम के तौर पर इन सारी बातों का खुलासा यही है नबी से जब कहा गया नबी ने कहा कि देखो एक जमाना आएगा सारी उम्मत तुम पर टूट पड़ेगी तो साहबा ने ताजुब से कहा हम कम होंगे कहा कि नहीं तुम्हारी तेदाद बहुत ज्यादा होगी जी लेकिन तुम्हारी कोई हैसियत नहीं होगी मुर्दे मुर्दों की तरह जैसे भूखे कुत्ते मुर्दे पर टूट पड़ते हैं ना वैसे होगा तुम्हारा हाल मुर्दा लाश क्यों सबब क्या कहा कि वाहन आ जाएगा वाहन क्या हुब दुनिया कराह मौत हाँ ये सारा खुलासा मेरे भाइयों होब्बत दुनिया कराह मौत आज दुनिया की मोहब्बत 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 दुनिया 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 के लीच दिन का दुनिया के, के लिए दीन का सौदा हो रहा है मुसलमान भी कर रहे हैं दुनिया के लिए दीन का सौदा और नबी ने वो फरमाया फितना फितने के आने से पहले अमल कर लिया करो अंधेरी रात की तरह है सुबह में मोमिन रहेगा शाम तक का फिर शाम में मोमिन रहेगा सुबह तक का फिर अल्लाह बचाए ऐसे फितने के दौर में क्या करना है दुनिया कराहियमो तो से आ जाओ और सही प्लानिंग के साथ जिंदगी गुजारो करो खुलासा यही है वल असर खुसर आमनु व व व बिल हक तबा सोबर और नबी ने उसी हदीस में आगे उसी तरह के हदीस में आगे फरमाया कि जब तुम दुनिया में मुनहमिक हो जाओगे से बुखारी की हदीस है और तुम तो मुख्तलि कारोबार में दुनिया में मुनहमिक हो जाओगे खेती बाड़ी और गाय बैलों के दुम के पीछे पकड़ पड़ जाओगे तो उस वक्त तुम्हारे दुश्मन का अल्लाह तुम्हारे ऊपर नाफिज कर देगा और तुम कमजोर हो जाओगे हत्ता तर्ज इला दीन कुम यहां तक कि तुम अपने दीन की तरफ लौट के आ जाओ दीन की तरफ लौट के आना यही खुलासा है अगर हमारी आजमाइश दीन और ईमान के लिए हो तो दीन बेजार नहीं बनना और दीनदार बनना दीन की तरफ आना यही हमारे लिए ज़िंदगी की अलामत है अल्लाह उसके रसूल जिस तरफ बुलाए यही दीन का खुलासा है दोहरबालमीन से अल्लाह हमें और आपको इन कई सुनी बातों पर अमल करते हुए जिंदा कौमों की निशानी और अलामतों को मानते हुए जिंदा करने के अपने आप में ज़िंदगी फूकने की तोफ़ी क़ा फ़रमाए आमी सोनद